हेलो दोस्तों, दिस इज मी अमन शर्मा बैक अगेन विद न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो रहेगी फोर्ड इको स्पोर्ट के ऊपर, जिसके अंदर में गाड़ी के अंदर में बकेट फिट सीट कवर्स लगे हैं, 70 मैटिंग का वर्क हुआ है, इसके साथ में पिलर लाइट्स लगी हैं, रिफ्लेक्टर्स लगे हैं और जो बैक साइड में स्टेपनी गार्ड आता है, स्टेपनी कवर आता है, वो इसके अंदर में लगा है। तो मैं आपको कैमरे के एंगल से दिखाता हूँ किस तरीके की स्टॉक गाड़ी थी एंड उसको किस तरीके से हमने एक न्यू लुक प्रोवाइड किया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ तो दोस्तों, ये हमारी कार है और इसके अंदर में पूरा कंप्लीट वर्क हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको सीट कवर्स दिखाता हूँ, क्योंकि सीट कवर्स इसमें जो हैं कंपनी से आते हैं वो किस तरीके के दिखते हैं वो आपको चेकआउट करा देता हूँ। बेज कलर में इसके जो सीट कवर्स हैं और ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इनमें जो है ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में पूरे सीट कवर्स हमारे इंस्टॉल होने वाले हैं और नीचे में 70 मैटिंग लग रही है। नीचे का आप पूरा लुक देख लो, ओवरव्यू। ये कुछ जो है अपनी कारपेट है, नॉर्मली कारपेट आती है और कंपनी की ओर से आपको ये कुछ जो है मैटिंग मिलती है, तो इसको तो हटाने वाले हैं क्योंकि इससे कोई भी कवरेज वगैरह होता नहीं और ग्रिपिंग्स अच्छी मिलती नहीं है। इसी के साथ में बैक साइड में स्टेपनी कवर लग रहा है, रिफ्लेक्टर आप ये देख सकते हैं स्टॉक, इसमें पार्किंग के लिए ही जो ऑप्शन मिलता है और पिलर लाइट्स हमारी लग रही हैं। इधर से पिलर लाइट्स हमारी पूरी निकल चुकी हैं। एक चीज़ इसमें मैं आपको खास बता रहा हूँ, कोई भी इसमें पेस्टिंग वाला काम अपन कर नहीं रहे हैं, सारी की सारी जो भी फिटिंग रहेगी वो OEM फिटिंग रहेगी। मींस इसमें जो है लॉक्स की मदद से पूरी चीज़ें फिट होने वाली है, वेदर इट इज़ रिफ्लेक्टर और पिलर लाइट, दोनों चीज़ों में पूरा जो है एच टू एच स्नग फिट तरीके से फिट करेंगे और वायरिंग वगैरह स्कॉच लॉक के थ्रू करेंगे, जिससे आपकी वारंटी वगैरह पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो ये आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। और इसी के साथ में एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। जो हमारी टेल लाइट्स हैं उनको हमने ओपन कर लिया है और जो पिलर लाइट का सेक्शन होता है जो एकदम डमी आता है वो उसको ओपन करा है और रिफ्लेक्टर हमारे ओपन होने वाले हैं एंड देन जो है हमारा काम स्टार्ट पूरा होने वाला है। फोर्ड इकोस्पोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइटेनियम वेरिएंट है, BS6 मॉडल है। इसके अंदर में जितना भी अपग्रेडेशन है वो हो चुका है। वन बाय वन मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ किस तरीके से पूरी गाड़ी कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ गाड़ी के अंदर में जो भी वर्क हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है हमारा डोर गार्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक एंड क्रोम फिनिश में हमारा डोर गार्ड यहाँ पर अपग्रेड हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वहीं पर रियर साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टेटस की बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। वहीं पर साइड से यहाँ पर आपको इको स्पोर्ट के रेन वाइजर्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, ग्लॉस ब्लैक फिनिश में है, गाड़ी के अंदर में काफ़ी अच्छी लुकिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं और पूरा जो है परफेक्शन के साथ ये फिट होते हैं। तो कुछ साइड से आपको इस टाइप का लुक देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर में। वहीं पर इंटीरियर की बात करते हैं हम इस गाड़ी के अंदर में, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं स्टील स्कफ प्लेट यहाँ पर लगाई है। इसमें आपके पास ऑप्शन होता है लाइट में भी जाने का। तो दो प्रकार की स्कफ प्लेट आती हैं, एक तो स्टेनलेस स्टील की आती है और एक हमारी फाइबर बॉडी में आती है जिसमें लाइट एम्बियंस होती है। तो दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपको इको स्पोर्ट की बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और अंदर में अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर 70 मैटिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में। 90% एरिया हमारा कवर कर लेती है, मोडेस्टो की मैटिंग है, क्वालिटी आप यहां पर देख सकते हैं, पूरा एरिया ये हमारा कवर करती है। इसी के साथ में नीचे में आपको ये लेदर फिनिश देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में ये आप देखो, ये थोड़ी सी फुटबॉल टाइप की डिज़ाइन है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, चेकआउट कर सकते हैं आप यहाँ पर। और इसी के साथ में ऊपर में आपको ये मैगी मैटिंग देखने को मिल जाती है विद ग्रिपिंग, तो जिससे आपका जो गाड़ी पे कंट्रोल है वो पूरा बना रहे। और ये आपको लॉक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो डर्ट वगैरह इसी पे आ जाती है, इसको आप इजीली क्लीन भी कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया रहती है। इसी के साथ में इंटीरियर आपको कुछ गाड़ी का फोर्ड इको स्पोर्ट में टाइटेनियम में इस टाइप का मिलता है। वहीं पर आप सीट कवर्स की बात कर लेते हैं हम, तो सीट कवर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में ब्लैक सीट कवर्स हैं, रेड स्टिचिंग हुई है, तो स्टिचिंग की भी आप क्वालिटी देख सकते हैं। रेड फील इसलिए दिया है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स वाला ट्रिम देखने को मिल जाए जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वहीं पर 3D डिज़ाइन यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा चलन में है, मीन्स इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है जो सीट कवर्स हैं उसमें। और यहाँ पर आप क्वालिटी अगर देखेंगे तो आपको क्वालिटी काफ़ी टॉप नॉच देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप इसकी लेदर की फिनिशिंग भी देखिए, काफ़ी अच्छा लेदर इसमें यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप पूरा लेगरूम स्पेस देखें तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें एटमॉस्फेयर लाइट हमारी अपग्रेड हुई है जो कि 7 कलर्स में चेंज होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी आती है। और यहाँ पर भी आप को पैसेंजर साइड में देख सकते हैं, अभी ये ब्लू मोड में है। इसका मोड्स भी मैं आपको डिफरेंट मोड्स चेकआउट करा देता हूँ। इसके अंदर में आपको डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाते हैं, तो डिफरेंट मोड्स भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ, जैसे कि रेड है, ग्रीन हो गया है हमारा, वहीं पर ब्लू है, वाइट है, ऑरेंज है, येलो है, कियान है, पर्पल है। तो आप काफ़ी सारे कलर मोड्स चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से और डिफरेंट स्टॉप मोड्स भी आते हैं जैसे स्टॉप मोड है। वहीं पर अब गाड़ी के बैक साइड में हम चलते हैं, बैक पोर्शन में आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ये हमारी स्टील स्कफ प्लेट है इको स्पोर्ट की बैजिंग के साथ में। वहीं पर 70 मैटिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं बैक साइड में।
इको स्पोर्ट में आपको थोड़ा सा हम्प जो है थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ देखने को मिलता है, तो 70 मैटिंग भी उसी स्ट्रक्चर में आई है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं बैक साइड में। इसी के साथ में सीट कवर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक एंड रेड फील में, बीच में आपको ये 3D डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। 3D डिज़ाइन देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और जो लुकिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी के साथ में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, तो इसकी भी आप फिटमेंट चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड में इसके अंदर में जो पिलर लाइट्स हैं और जो हमारी रिफ्लेक्टर्स हैं वो किस तरीके से पूरे एनहेंस हुए हैं। रियर साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पिलर लाइट्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं देखने में, और फिटमेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं H2H परफेक्शन फिटमेंट के साथ जो है ये इसको पूरा फिट किया है। इसी के साथ में रियर साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रिफ्लेक्टर को पूरा अपग्रेड किया है। इसके अंदर आपको जो स्टॉक आता है उसमें सिर्फ पार्किंग के लिए ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाएंगे, तो मैं आपको डिफरेंट मोड्स चेकआउट कराता हूँ गाड़ी के अंदर में। ये नाइट टाइम में कुछ इस टाइप के आपको एम्बियंस के साथ देखने को मिलती है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ लाइट का रिस्पॉन्स। डे टाइम है तो आपको इतना जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा, बट जितना कैमरे के एंगल से हो रहा है मैं आपको जस्टिफिकेशन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिलर लाइट्स हैं हमारी उसमें आपको ये पूरी एम्बियंस देखने को मिलती है। अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रेक पे ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हाई लाइट के सेटअप के साथ मिलती है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका जो है कुछ डिफरेंट मोड आपको इस टाइप का देखने को मिलता है। वहीं पर इसी के साथ में जो नीचे है, नीचे में भी आपको ये नॉर्मल इग्निशन पे मिलता है, और जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो कुछ लाइट के सेटअप के साथ इस टाइप का देखने को मिलता है। वहीं पर इसके अंदर में जो साइड टर्न इंडिकेटर वो भी आपको मैं जो है चेकआउट करा देता हूँ, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर में इसमें आपको फ्लोटिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जिनका लुक काफ़ी अच्छा आता है। वहीं पर जब आप पार्किंग के लिए अप्लाई करते हैं रिवर्स, तो रिवर्स में ये कुछ जो है वाइट एम्बियंस के साथ आपको देखने को मिलता है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। वाइट एम्बियंस काफ़ी बढ़िया लगता है ये देखने में, और लुक्स काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाते हैं। स्टॉक जो गाड़ी के अंदर आता है उससे इसमें आप अगर पूरा जो है चेंज करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको लुक मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में जो इको स्पोर्ट का स्टेपनी कवर है वो भी इसमें पूरा अपग्रेड हुआ है, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको इसका जो कलर कॉम्बिनेशन वो सेम टू सेम एज इट इज़ मैच होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी से जो आपको टाइटेनियम वेरियंट है उसके अंदर में जो स्टेपनी कवर है वो देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप इसकी भी लुकिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। इको स्पोर्ट की आपको इसमें बैजिंग देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपको पीछे में ब्लैक पूरा जो है इसका गार्ड देखने को मिलेगा, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा लग चुका है। तो बैक साइड से कुछ आपको लुक इसका इस टाइप का देखने को मिलता है, और गाड़ी का पूरा जो है मॉडिफिकेशन अब कंप्लीट हो चुका है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं बैक साइड से, और काफ़ी बढ़िया लग रही है ये देखने में। तो ये आप जब भी लॉक अनलॉक करेंगे तो ये लाइट जो है आपकी देख सकते हो आप इस तरीके से पूरा जो है आपके वेलकम फीचर के साथ में स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही मैं लॉक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी कूल फीचर लगा इसका। ये हमारा जो है अनलॉक पे ORVM जो है हमारे अनफोल्ड हो गए, और ये आपका जो है लॉक पे हमारे ORVM भी फोल्ड हो गए हैं, और जो हमारी लाइट्स हैं वो बंद हो गई हैं, तो ये काफ़ी कूल फीचर है। तो इसी के साथ एट द एंड आते हैं, होप आपको वीडियो में एंड टू एंड बड़ी वाली इन्फॉर्मेशन मेरी ओर से मिली होगी। इसी के साथ आपको वीडियो करना है लाइक, वीडियो करना है शेयर, कमेंट करना है अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लीजिएगा टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, यूजर नेम आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, टिल देन टेक केयर।